आज मैंने माननीय पवार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी और इस सरकार को बचाने की जिम्मेदारी ये पवार साहब ने अपने कंधे पर लिए। इस सरकार को मैन्युफैक्चर ही पवार साहब ने किया है और इसलिए वो ये मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसको वो सेफगार्ड करे। और इसलिए माननीय पवार साहब ने आज जो बातें अपनी प्रेस में कही, मुझे लगता है कि कुछ बातें महाभारत में नरोवा कुंजरोवा, अश्वत्थामा मरे लेकिन हाथी मरा या व्यक्ति मरा, किस प्रकार से उन्होंने आधी बात कही। ये बात सही है कि वाजे इनको नियुक्त करने के लिए एपिलेट कमेटी, ये परमवीर सिंह इनकी अध्यक्षता में ही थी, नियम के अनुसार उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी होती है, उस कमेटी ने निर्णय लिया। लेकिन वो निर्णय लेने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जगह वाजे को दी गई, सारे महत्वपूर्ण केसेस वाजे इनको दिए गए। क्या सरकार को पता नहीं था? क्या मुख्यमंत्री और गृहमंत्री सोए थे? क्या उनको इसकी जानकारी नहीं थी? ये बात सही है, श्री परमवीर सिंह इनकी कमेटी ने वाजे इनको रीइंस्टेट किया। लेकिन उसके बाद पवार साहब ने यह भी कह देना चाहिए कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री के इंस्ट्रक्शन पर किया, उनके ही कहने पर उनको वो महत्वपूर्ण जगह दी गई और सारे केसेस जो उनके अख्तियार में नहीं भी आते, सीआईयू के अख्तियार में नहीं भी आते, वो सारे केसेस उनको दिए गए बिना आशीर्वाद के। ये चीजें नहीं हो सकती। और मैं तो पूछना चाहता हूं कि सचिन वाजे ये कितने बार गृहमंत्री के पास दिखे, इसका भी कहीं ना कहीं जवाब आना चाहिए। तो इसलिए अपने ऊपर की बात टालने की बात ये जो पवार साहब ने कही है, मैं उससे सहमत नहीं हूं। सरकार के आशीर्वाद से वाजे उस जगह पर आए थे।